Hello everyone, so we will be talking about the previous 10 year questions based on carbon and its compounds. CBC boards ke previous 10 saal ke questions jo hai wo aapko dekhne ko mil jayenge abhi carbon compounds ke yahan pe, and questions काफी simple थे. आप एक बार इसका pattern check out करोगे, देखने को मिल जाएगा कितनी बार repetition होता है और कितने questions आपको homologous series या फिर कितने questions आपको वो electron dot structure वाले देखने को मिलते हैं, right? या वो versatile nature of carbon से. तो वो सारे questions आ रहे थे 2010 से लेके 20 तक, ये तो 11 साल हो गए. तो यार ऐसा है कि आपको 2021 का exam हुआ नहीं था. All hail to the corona. Corona की वजह से exam नहीं हुआ 2021 में, and 14 का exam paper मुझे मिला नहीं. So 10 से लेके 20 10 साल के आपके exam के questions आपके सामने यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे. So let's get start the video. Start करते हैं भाई 2010 में. आपसे सबसे पहले carbon compound से क्या question पूछा गया था. And एक चीज और है यार, आपको लग रहा होगा मैंने तो एक ही question add किया है यहाँ पे carbon compounds का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. देखो कार्बन कंपाउंड्स में पूछे और भी क्वेश्चंस गए थे, बट आपके सिलेबस में पूरा चैप्टर आ नहीं रहा पहली बात, है ना. सो आपके सिलेबस में केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी हो गई, जहां पे पहले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल इथेनोइक एसिड की, या मिशेल फॉर्मेशन हो गया सोप, ठीक है ना, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप हो गया, तो वो फेवरेट क्वेश्चन होते थे भाई एजुकेटर्स के वहां पे पूछने के लिए आपको. तो वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, तो भैया मजे करो अभी, ठीक है ना. तो सिंपल सिंपल से चार टॉपिक आपको जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं. पहला आपका वर्सेटाइल नेचर, जो कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना, टेट्रावेलेंसी कैटेनेशन हो गया. देन नेक्स्ट आपको और क्या देखने को मिलता है भाई, नेक्स्ट आपको टॉपिक देखने को मिलता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, राइट. उसके ऊपर खैर पूछे जाते हैं बट कम थोड़े से, ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा वर्सेटाइल नेचर है, बट ईजी है वो भी हमारा. एक और क्वेश्चन कहां से आ सकता है भाई, आपका होमोलोगस सीरीज से, राइट. होमोलोगस सीरीज के बाद एक टॉपिक बचता है आपका आइसोमर्स, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमेरिज्म तो आपको खैर नहीं पता होगा, 11 12th में पढ़ोगे जाके. तो चार टॉपिक है गिनती के. एलोट्रॉप सबसे पहले पढ़ लेंगे, वर्सेटाइल नेचर, टेट्रावेलेंसी कैटेनेशन, देन यू हैव होमोलोगस सीरीज एंड देन आइसोमर्स, दैट्स इट. यही चार टॉपिक आपके सिलेबस में, और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए थे पहले, ठीक है. तो 2010 में आपसे क्या पूछा गया, सो आपसे पूछा गया स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कार्बन विच व्हेन पुट टुगेदर गिव राइज टू द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है. सो कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज हो रही होती है यहाँ पे जिससे बहुत सारे लार्ज कंपाउंड्स बनते हैं. एक आपकी टेट्रावेलेंसी, एक तो टेट्रावेलेंसी हो जाएगा, कार्बन टेट्रावेलेंसी, एंड एक आपकी कैटेनेशन आपको देखने को मिल जाती है. दैट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट. 2011 में आपसे बहुत सारे यहाँ पे चार चार मुझे अलग अलग सेट मिले, तो वहां से अलग अलग क्वेश्चंस मैंने ऐड किए. तो पहला था यहाँ पे हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन C2H6. इथेन आपको दिया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बताने हैं बस आप, राइट. सो हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन मॉलिक्यूल ऑफ इथेन C2H6. सो आपको C2H6 के अंदर बताना है इथेन के अंदर कितने आपको कोवेलेंट बॉन्ड मिलते हैं. वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसमें आप कैलकुलेट कर लेना भाई निकाल के, बहुत बेसिक है. नेक्स्ट आपसे स्ट्रक्चर पूछता है इथेनोइक एसिड का. आप काफी बच्चे बोलेंगे इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं आ रही है, इथेनोइक एसिड है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग. आप एटलीस्ट इतना तो कर ही जाओगे कि आपको फंक्शनल ग्रुप्स तो पता हो, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे COOH ग्रुप आपको देखने को मिलता है, बॉन्डिंग कैसी होती है इसकी, कार्बन देन सी डबल बॉन्ड हो एंड OH, और एक बॉन्ड इस कार्बन का यहाँ पे आपको फ्री देखने को मिलता है, राइट. सो आपको ऐसे पता होने चाहिए कीटोन्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको, कि कीटोन्स का पहला ही एलिमेंट, पहला ही कंपाउंड कीटोन्स का तीन कार्बन मिनिमम हो रहे होता है कीटोन्स के अंदर वहां पे, राइट. एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन यू हैव अल्कोहल्स एंड अल्काइल हैलाइड्स. तो ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट आनी ही चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है ना. ये मत बोलना सॉरी ये तो पता ही नहीं था अपने को, आ रहे नहीं आ रहे सिलेबस में, तो एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए. और इवन दैट अभी नहीं आया एग्जाम में, 11th में तो आएगा ना, 11th में तो आपका बेस क्लियर होगा यहाँ पे. ये चीज भाई 2011 के चार क्वेश्चन आ रहे थे यहाँ पे, 2012 में एक ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि नेम द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है, राइट. अब जैसे CH3 सी डबल बॉन्ड और CH3 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर इसको ओपन करके बनाएंगे तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन यहाँ, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये है क्या भाई, कीटोनिक ग्रुप है आपका, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे आपका. दैट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट. 13 में आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, बड़े आराम से आप लोग इसको पढ़ लोगे यहाँ पे. अब इसमें देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, बट स्टिल मैंने ऐड कर दिया क्योंकि काफी बच्चों ने पढ़ा होगा इसको. एल्केन्स जनरली बर्न विद अ क्लीन फ्लेम. देखो आप आंसर इसका फिर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, एल्केन्स जनरली बर्न विद अ क्लीन फ्लेम, व्हाई. देखो सिंपल रीजन है, एल्केन्स आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो क्लीन फ्लेम से बर्न होता है. जब आप इनको जलाओगे, जो घर में आपकी गैस आती है, ठीक है ना, गैस पाइपलाइन के थ्रू आ रही होती है, तो ब्लू फ्लेम निकलती है, क्लीन फ्लेम बोलते हैं हम उसको, वहां पे क्लीन फ्यूल होता है वो आपका. सो जितने भी सैचुरेटेड वाले होते हैं वो क्लीन फ्लेम देते हैं अपने को, और जितने भी अनसैचुरेटेड वाले भाई, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले, एल्कीन एल्काइन्स वाले, वो आपको सूटी फ्लेम देते हैं भाई. सूटी फ्लेम का मतलब, ठीक है, सूटीज, SOOTY, सूटी फ्लेम है जो काला धुआं छोड़ता है, ठीक है ना, उसको हम सूटी फ्लेम बोलते हैं.
राइट 14 देखो एक और चीज है 2010 से 20 के क्वेश्चन ऐड किए उसमें 14 के नहीं मिलेंगे आपको, सैंपल पेपर नहीं मिला मुझे राइट सो 10 ईयर के फिर भी है। एंड वन मोर थिंग आपके 2021 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, ऑल हेल टू कोरोना, सो एग्जाम ही नहीं होता, 2020 तक के क्वेश्चन एडेड है, आप लोग इसको कर लोगे तो सॉर्टेड है भैया जिंदगी राइट। सो 2015 की बात करें यहाँ पे तो अगेन रिपीटेशन अभी आपको क्वेश्चंस का देखने को मिल जाएगा, तुम लोग पैटर्न एक लोग देख लोगे यहाँ पे। सो राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन C4H10। एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि C4H10 ब्यूटेन आपको दिया हुआ है, चार कार्बन है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड, अगेन वही जैसे इथेन में पूछा है ब्यूटेन में पूछ लिया राइट। क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे, चार कार्बन को बनाने वाले हैं इसके अंदर यहाँ पे, बाकी के हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे इसके कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी करके, बड़े आराम से नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट कर लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल क्वेश्चन है। द नेक्स्ट वन इज राइट द नेम इन द जनरल फॉर्मुला ऑफ द चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स व्हिच इज अनसैचुरेटेड। सो भैया अनसैचुरेशन में कौन आएगा, अनसैचुरेशन में आपके एल्कीन्स और एल्काइन्स आ रहे होते हैं, आप बड़े आराम से बता दोगे उसके जनरल फॉर्मुला, होमोलोगो सीरीज तो पढ़ी है ना आपने। एल्काइन्स के लिए क्या हो रहा होता है, एल्काइन्स के लिए यू हैव CnH2n-2 इज द जनरल फॉर्मूला, और एल्कीन्स की बात करें तो भैया डबल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो रहे होते, जैसे इथीन में अगर दो कार्बन है तो भाई क्या हो रहा होगा, डबल हाइड्रोजन हो रहे होंगे। छह कार्बन है हेक्सीन में तो आपको 12 हाइड्रोजन देखने को मिल रहे होंगे, तो ऐसा ही हो रहा होता है। सिर्फ 16 की बात करें, राइट द नेम इन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड विद 4 कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, सिंपल टास्क वंस अगेन। सो चार कार्बन वाला एल्डिहाइड बताना है, ब्यूटेनल डिहाइड आपका आंसर होगा, ब्यूटेनल इसका नेम हो रहा होता है। कैसे लिखेंगे भाई, चार कार्बन बना दिए यहाँ पर और एक आपका कौन सा वाला कार्बन हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड वापस बनाते हैं इसको। सो चार कार्बन आपने बना दिए यहाँ पे और एक कार्बन आपका हो गया सी डबल बॉन्ड ओ और एच वाला, सी एच ओ ग्रुप वाला कार्बन आपको देखने को मिल गया भाई, चार कार्बन स्ट्रेट अवे एंड एक हो गया सी एच ओ ग्रुप वाला कार्बन राइट, जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ और एक बॉन्ड उसका एच के साथ हो रहा होता, बहुत बेसिक है। अगेन 17 पे आए हम लोग, फिर दो क्वेश्चन पूछे हुए यहाँ पे, वही होमोलोगो सीरीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि आपको मेंबर्स पता होने चाहिए। जैसे अगर पूछता है व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन सीरीज, तो पहला मेंबर एसीटोन होता है उसका, दैट इज प्रोपेनोन, तीन कार्बन होते हैं उसके मिनिमम, दो कार्बन वाला कीटोन एग्जिस्ट ही नहीं करता है ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड मेंबर पूछे आपसे, सेकंड मेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर कौन होगा, इथेनोइक एसिड, तो सेकंड मेंबर इथेनोइक एसिड हो जाएगा। आपसे पूछे एल्काइन्स का सेकंड मेंबर बताओ, तो एल्काइन्स क्या होता है भाई, ट्रिपल बॉन्डिंग आ रही हो, तो एल्काइन्स का पहला मेंबर इथीन होगा ठीक है, उसमें ट्रिपल बॉन्डिंग कहीं तो शो करोगे ना, सो पहला मेंबर इथीन होगा, सेकंड मेंबर आपको मिल जाएगा वहां पे प्रोपाइन हो जाएगा, वहां पे इथाइन प्रोपाइन राइट। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। 17 के बाद 18 का क्वेश्चन यू कैन रीड दिस। एंड यहाँ पे आपसे एलोट्रॉप्स के बारे में पूछा हो, तो वैरायटी सारी है यार। सो नेक्स्ट वाले मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे 2018 के अंदर, व्हाई आर द मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वी ऑल नोज अबाउट दैट कि भैया ज्यादातर क्यों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहे होते हैं कार्बन कंपाउंड हमारे वहां पर। एंड राइट द नेम इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ रिंग फॉर्म, ठीक है ना, तो आपको रिंग फॉर्म भी पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपने पढ़ा ही होगा अगर हम बात करें कैटेनेशन प्रॉपर्टी के अंदर कि कार्बन में कैसे रिंग बन रही होती है, कैसे वो चेन कंपाउंड्स बना रहा होता है, और आइसोमर में भी तो यही समझा है हमने सब कुछ। 19 में आपसे रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मुला ऑफ इथीन बताइए, ड्रॉ उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आ सकता है वहां पे, कोवेलेंट बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे होगे आप उसके अंदर वहां पर। द नेक्स्ट वन इज 20 में आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नेम ए साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, तो भाई यहाँ पे आपको क्या आंसर करना है। ए साइक्लिक का मतलब जो साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है, जो कि रिंग फॉर्म में नहीं हो रहा होता, ठीक है, हम लोग यहाँ पे बेंजीन की बात नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे राइट। सो आपको ए साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बताना है, तो भैया बहुत आराम से इसका आंसर हो जाएगा, आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे दो, इथीन इथाइन प्रोपाइन ब्यूटीन ब्यूटाइन कुछ भी होगा इसका एग्जाम्पल राइट। सो ये आपके जो है वो सम अप होते हैं आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर 2010 से लेके कितने हो गए भाई, 2010 से लेके आपके ये क्वेश्चंस हो गए टेल योर 2020 21 आपका एग्जाम ही नहीं हुआ बोर्ड एग्जाम, तो सही है भाई 10 साल के क्वेश्चन हो गए हैं, 14 के मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि सैम्पल पेपर मिला नहीं मुझे, बाकी तो खैर आपको हर एक चैप्टर का देखने को मिल जाएगा ऐसी, और वन शॉट ऑलरेडी चालू है, वन शॉट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस चैप्टर का वन शॉट प्रिपरेशन करवा दिया है, और सेकंड चैनल पे 1 मिनट के अंदर प्रिपरेशन करना है, तो शॉर्ट्स वीडियो की फॉर्म में आपको जो है सारा सिलेबस देखने को मिल रहा है, तो वहां भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।